प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत चुरू लोकसभा क्षेत्र में बनेगी अड़सठ किलोमीटर की सड़कें सांसद राहुल कस्वा ने दी जानकारी चुरू जिले के सुजानगढ़ सरदारशहर चुरू रतनगढ़ व तारानगर राजगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करोड़ों की लागत से पांच सड़कें बनेगी जिससे यहां यातायात सुगम हो सकेगा सांसद राहुल कस्बा ने गांव घांगू में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तृतीय फेज के अंतर्गत पूर्व में निर्मित सड़कें जो क्षतिग्रस्त हालत में हैं उनका उन्नयन और चौड़ाईकरण कार्य कर नवीन सड़क का निर्माण किया जा रहा है इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा चूरू संसदीय क्षेत्र में करीब इकतालीस करोड़ की लागत से अड़सठ किलोमीटर की पाँच सड़कों की स्वीकृति जारी हुई है सांसद ने बताया कि चूरू सुजानगढ़ सरदार शहर रतनगढ़ और तारानगर राजगढ़ की सड़कें स्वीकृत हुई है जिनका बजट भी स्वीकृत हो गया इन सड़कों का काम जल्दी शुरू होगा जिससे आमजन को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तृतीय फेज में पूर्व में भी नवीन सड़कें बनाई गई जिसका लाभ आमजन को मिल रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तृतीय चरण दो में स्टार्ट हुआ था जिसमें साढ़े हजार किलोमीटर की रोड हमारे राजस्थान स्टेट को मिली थी उसमें से ढाई सौ करोड़ रुपये की रोड हमारे लगभग की चूरू ज़िले को मिली है उसमें हमारा फर्स्ट फेज़ का सारा काम पूरा हो चुका है अब पी एम फेज़ थर्ड का सेकेंड बैच अभी अड़सठ किलोमीटर की सड़कें मिली हमें पाँच सड़कें मिली हैं एक सरदार शहर में है हमारे एक सुजानगढ़ में है एक चूरू के अंदर है और एक हमारे रतनगढ़ के अंदर है एक पांचवी सड़क हमने तारनगर नगर राजगढ़ के लिए दे रखी है उसका भी भी विषय चर्चा के अंदर है उसमें कुछ रोड कच्चा कैसा ज्यादा उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं ये पांचों रोड से पूरे जिले के अंदर सौ करोड़ के लगभग की पीएम जेस की एग्जिस्टिंग जो सड़कें बनी हुई हैं उन सड़कों को चौड़ीकरण करने का काम है साढ़े पांच मीटर की सड़क बनेगी जो फ्यूचर कनेक्टिविटी में बड़ा फायदेमंद रहेगी इसके तहत ये बजट सेंशन हो गया और उम्मीद करते हैं जल्दी काम से चालू हो जाए